तो दोस्तों आज हम बनाते हैं गाजर का हलवा, वो भी बड़े आसान तरीके से। उसके लिए हमें चाहिए जो सबसे जरूरी चीज है, गाजर कद्दूकस किया हुआ, दूध, काजू बादाम, मलाई, घी और चीनी। इनसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो हमने इसमें सबसे पहले डाल दिया घी, गाजर, जितनी गाजर है दूध उतना ही लेना। अगर 1 किलो दूध है तो 1 किलो गाजर, 2 किलो दूध है तो 2 किलो गाजर, और बाकी खोवे की जगह हम इसके अंदर मलाई का यूज करेंगे, तो बहुत अच्छा एकदम क्रीमी क्रीमी और खोवे जैसा ही उसमें टेक्सचर आ जाएगा। और इसको फ्राई, कई लोग तो फ्राई नहीं करते हैं, बट फ्राई करने से क्या, इसका कलर आप देखना कितना ऑरेंज कलर आएगा। अब इसके अंदर हमने ये मलाई डाल दी, जो कि आप अपनी इच्छा से कम ज्यादा कर सकते हो, और ये एकदम खोवे की तरह हो जाएगी। दूध डालेंगे, जितना आपको डालना उतना दूध इसमें डाल दीजिए और इसको चलाते रहिए। खोए की तरह गाढ़ी गाढ़ी हो गई है, उसके बाद हमने इसमें दूध डाला है। मलाई अब इसमें कहीं भी नहीं दिख रही है, सारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, क्योंकि ये फाइनल फेज में आ चुका है, और इसको मिलाएंगे। और लास्ट में हम इसको, जब तक कि ये चिकनाई नहीं छोड़ देगा, इसको चलाते रहेंगे, जो कि चारों तरफ से चिकनाई छोड़ेगा कढ़ाई से, तो ये हमें अंदाजा हो जाएगा कि तैयार है। और अब इसमें हम डाल देंगे काजू बादाम। लास्ट में हम इसको चारों तरफ से चलाएंगे, जब तक कि ये चिकनाई नहीं छोड़ दे और इसका कलर थोड़ा लाल नहीं हो जाए, और आखिर में हम इसमें काजू बादाम डाल देंगे। इसमें हम ये देखिए, इसका एकदम ऑरेंज कलर हो गया, और इसका एकदम से ये मिक्स हो चुका है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हलवा, हलवे जैसा हो गया है। और एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगी कि जब भी आप बनाएं तो इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएं, फिर आप इसका टेस्ट देखिए, जैसे एकदम हलवाई बनाते हैं उस तरह से बनेगा। तो फाइनली आप देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से गाजर का हलवा तैयार है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।